हेलो व्यूवर्स, नमस्ते जी। कैसे हैं आप सब? एक और स्पेशल वीडियो आज का रहने वाला है। आप मेरे पीछे जैसे देख सकते हैं, यहाँ से ना पहले भी आपको वीडियो दिखा चुका हूँ। एक पिलो के मैन्युफैक्चरर है, टोटली ब्रांड क्वालिटी के पिलोज आपको मिल जाते हैं और प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लेके आया हूँ, फैक्ट्री में लेके आया हूँ आज की वीडियो में आपको। आप देख सकते हैं मेरे पीछे प्रॉपर जो है, यहाँ पर सारा काम होता है आपके सामने। आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ, लास्ट तक बने रहिएगा। सब चीज़ें बताऊँगा, कैसे आप ऑर्डर कर सकते हैं, कैसे अगर आप इनके साथ जुड़कर बिजनेस भी करना चाहते हैं तो वो भी कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। आइए चलते हैं एक बार यहाँ से, भैया जो सारा काम संभालते हैं उनसे जानते हैं इस फैक्ट्री के बारे में। आइए दोस्तों, विजय शीला टेक्सटाइल्स पिलो मैन्युफैक्चरर अपना रहने वाला है करावल नगर में। हमारे साथ है जी नवीन भाई। कैसे हैं सर? तो सर बताओ सबसे पहले तो बिजनेस अपना कैसे, क्या है, क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाते हो, कैसे डील करते हो सब चीज़ें? तो सबसे पहले हम पिल्लो में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। पिल्लो के साथ कुशन्स होता है, कुशन्स के साथ बॉलस्टर होता है। अच्छा, तीन तरीके के हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अच्छा। जिसमें पिल्लो में आपका साइज होता है स्टैंडर्ड साइज 16x24 का, जो अच्छा। एक स्टैंडर्ड साइज है सर जी, जो रेगुलर यूज होता है, चाहे होम यूज हो ले, चाहे हॉस्पिटल में, और चाहे आप होटल में यूज कर लीजिए। ये तीनों उस टाइप में आप यूज कर सकते हैं। हर तरह के यूज के लिए, हर तरह के यूज के लिए हम पिलो बनाते हैं सर। तो सर आप कुछ ऐसा क्या अलग दे रहे हैं कि मार्केट में जो तकिए मिल रहे हैं उससे अलग आपका क्या तकिए में ऐसा कुछ? सबसे पहले तो आप कपड़े को देख लीजिए, जो फैब्रिक होता है वो एक नंबर का फैब्रिक होता है। अच्छा। इसके अलावा जो फिलिंग होती है वो दिल्ली में कुछ ही मैन्युफैक्चरर, कुछ ही परसेंट के मैन्युफैक्चरर यूज करते हैं। हम एक नंबर के क्वालिटी का फाइबर यूज करते हैं सर, क्वालिटी फाइबर रहता है। आप देख ही रहे होंगे कि कुशन्स में किस तरीके की फुलावट आ रही है सर। बिल्कुल ठीक है जी, देख सकते हो इस तरह की जो है प्रॉपर, ये प्रोडक्ट रेडी होने के बाद जो आता है उसकी ये चीज़ रहती है। तो अभी ना आपको प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग दिखाऊंगा मैं, किस तरीके से जो है फाइबर ये यूज़ करते हैं। अगर सर कोई चाहता है अपना मैन्युफैक्चरिंग करवाना, अपने हिसाब से कुछ चीज़ें बनवाना, तो वो कर देते हो? हाँ सर, अगर मैं किसी कस्टमर को कस्टम साइज चाहिए, जैसे कि हमारा तो रेगुलर साइज चलता है 12x12, 16x16, 16x24, अगर मैं उसको कुछ अलग साइज चाहिए, यूनिक साइज चाहिए, अपने साइज में चाहिए, तो हम मैन्युफैक्चरिंग कर देते हैं। इसके अलावा कस्टमर को अपना रैपर चाहिए होता है, अपने नाम का ब्रांडिंग चाहिए होती है, अच्छा, स्टिकर चाहिए होता है, तो हम बना के दे सकते हैं सर। ठीक है, तो ब्रांडिंग से भी कर देते हैं काम। हाँ जी सर, हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है। और मुझे सर बताइए, कोई मेरा व्यूअर आपके साथ जुड़ना चाहता है बिजनेस के लिए या फिर रिटेल पर्पज के लिए, अपने घर के लिए भी मंगवाना चाहता है, तो कैसे क्या ऑर्डर रहेगा सर? सर आप ऑर्डर कर सकते हो, हमारी वेबसाइट भी है, इसके अलावा इंडिया मार्ट से भी आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हो सर। अच्छा। और ऑफलाइन भी आ सकते हो, यूट्यूब के थ्रू आप देख रहे हो, यूट्यूब के थ्रू भी आ सकते हो सर। ठीक है सर, एक चीज मुझे और बताइए कि जैसे ये अपना ये तकिया जो है मार्केट में क्या रेट में बिकता है, और अगर कोई होलसेलर खरीदता है तो उसमें क्या उसको बेनिफिट रहता है? सर सबसे पहले तो मैं बता दूं, वो जो रेट डिपेंड करता है वो साइज पे डिपेंड करता है सर। बिल्कुल, अलग अलग साइज के हमारे पास होते हैं, और कस्टमर का अगर मैं कोई लेता है स्टैंडर्ड साइज जो लेता है वो कुशन में 16x16 का होता है सर। 16x16 जो स्टार्ट होता है वो 80 से 90 रुपए का स्टार्ट होता है रिटेल में। अगर आप होलसेल में लेते हो तो यही प्राइस आपको 60 से 65 में मिल जाता है सर। अच्छा जी, तो होलसेल में इतना फर्क रहता है जी। ठीक है, और बाकी क्वालिटी आपको पता ही है चीजों की बढ़िया रहती है, यहाँ से पहले भी वीडियोस में दिखा चुका हूँ। तो सर सबसे पहले तो मुझे बताइए, अगर मेरा कोई व्यूअर आपसे खरीदना चाहता है रिटेल के अंदर, तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा? सर उसमें हमारी वेबसाइट है www.clickday.in पे, आप जाके वहाँ से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक ना प्रॉपर इनके जो है वेबसाइट का डाल दिया है, आप वहाँ जाके सिंगल अपने घर के लिए चीज लेना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं जाके वहाँ पे। और अगर कोई होलसेल में खरीदना चाहता है बेचने के पर्पस के लिए या क्वांटिटी में लेना चाहता है, तो उसका क्या प्रोसेस अभी है? सर आपके नंबर पर, आपके स्क्रीन पर नंबर चल ही रहा है सर, उस पर डायरेक्ट कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, आपको हमारे सेलरों द्वारा कॉल पिक किया जाएगा। हाँ। और आपको पूरा प्रोसेस बता दिया जाएगा कि किस तरीके से आप परचेज कर सकते हो सर। ठीक है जी, और उसमें मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या रहती है होलसेल सर? 2 से 3 हज़ार रुपये से आप परचेज कर सकते हो सर। कर सकते हैं 2-3 हज़ार रुपये, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो सर 2 से 3 हज़ार। और डीलरशिप का क्या प्रोसेस है? डीलरशिप का आपका नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पे, उसमें कॉल कर लीजिएगा, जो जो प्रोसेस होगा, जो जो डॉक्यूमेंट होगा वो आपको बता दिया जाएगा हमारे डीलरशिप के बारे में, हम बता दिया जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो दिए हुए नंबर पे अगर आप कॉल करते हैं होलसेल और डीलरशिप की जानकारी मिल जाएगी। रिटेलर व्यूवर्स के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाके क्लिक कर सकते हैं। तो ज्यादा बातें नहीं करूंगा भैया, एक बार पहले मैन्युफैक्चरिंग दिखाओ अपनी पूरी, किस तरीके से सारा काम होता है। मैं आपको दिखाता हूं सर। ठीक है, तो सर शुरुआत कीजिए आज की वीडियो की, सबसे पहले क्या रहता है प्रोसेस के अंदर? तो आइए सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको रॉ मटेरियल। अच्छा, इस तरीके से रॉ मटेरियल रहता है सर।
ये रॉ मटेरियल ये जो आप बता रहे हो इम्पोर्टेड क्वालिटी का फाइबर? हाँ जी हाँ जी, ये वही है। हाँ जी सर, ठीक है जी। देख सकते हैं क्वालिटी कैसी है, बिल्कुल व्हाइट कलर का फाइबर आता है। इसके अंदर हल्की क्वालिटी का भी लगता है क्या? हाँ हल्की क्वालिटी का भी लगता है। देख रहे होंगे आप, ये कंजुगेट फाइबर है, एक नंबर की क्वालिटी होती है सर। हम ज्यादातर डीलर को, ज्यादातर ग्राहकों को यही प्रिपेयर करते हैं कि आप इसी में डील कीजिएगा। अच्छा, क्योंकि इसमें कंप्लेंट नहीं आती है सर। आप ब्रांड में भी यही यूज करते हो अपने? हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर। ठीक है, तो पीछे क्या रहता है इसके बाद? ये सर ओपनर है सर। अच्छा, ये फाइबर ओपनर है, देखो आप देख सकते हैं किस तरीके से फाइबर ओपन हो रहा है सर। कैसा एकदम गार्ड से होती है ये, और इसको बिल्कुल देखो कैसे खिल के बाहर प्रॉपर इसका साइज जो है बढ़ जाता है, खुल जाती है। तो यही तकिया भरी जाती है ना? हाँ जी हाँ जी, यही फील होती है सर। पीछे देखो पूरा पहाड़ लग गया फाइबर का, कितनी सारी इन्होंने फाइबर को रेडी कर दिया। और आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं भैया क्या प्रोसेस है। जी भैया, रॉ मटेरियल आपने देख लिया किस तरीके से हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है फिलिंग का। अच्छा, वो किसी देखो जी, ये इस तरीके से प्रॉपर तकिया जो है इनका फिलिंग किया जाता है, इन चीजों का देख सकते हैं। और ये देखो, और इसके बाद फिलिंग करने के बाद यहाँ पर जो है प्रॉपर वेट किया जाता है। इसका आइडियल वेट भैया कितना होना चाहिए तकिए का? सर वो तो डिपेंड करता है साइज पे कि आपका कौन सा साइज का पिल्लो है। जो नॉर्मली एक बार 16x16 का जो कुशन्स होता है उसमें हम 300 ग्राम फिल करते हैं सर, 300 ग्राम वेट होना चाहिए। ठीक है जी, तो देख सकते हैं इस तरीके से प्रॉपर वेट करके, प्रॉपर मेजरमेंट करके, और जो फैब्रिक क्वालिटी मैं आपको दिखाऊँ इसके, वो देख सकते हैं काफी बढ़िया क्वालिटी का फैब्रिक यूज किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो इसके बाद अगला नेक्स्ट प्रोसेस में क्या रहेगा? सर फिलिंग के बाद जो आता है वो वेट का आता है सर। अच्छा बिल्कुल, वेट आपने देख लिया होगा, प्रॉपर मेजरमेंट करके डाला जाता है जी जी। कि किस तरीके से फिल होना चाहिए, कितना वेट होना चाहिए सर। इसके बाद जो आता है वो काम आता है स्टिचिंग का सर। स्टिचिंग का तो आप देख रहे होंगे किस तरीके से स्टिचिंग किया जाता है, वो भी आपको दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये स्टिचिंग का प्रॉपर आ गया है जी, मैम यहाँ पे सुन रही है। तो ये देखो, ये तकिया इधर जो आप देख रहे होंगे किस तरीके से स्टिचिंग हो रही है सर, प्रॉपर स्टिचिंग की जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रॉपर स्टिचिंग की जाती है। इसके बाद जो है प्रॉपर नेक्स्ट जो है इसका कौन सा स्टेप रहेगा सर? इसके बाद से जब स्टिचिंग हो जाती है, स्टिचिंग होने के बाद देखा जाता है कि सिलाई फिनिशिंग का काम, फिनिशिंग पूरी तरीके से अच्छी है नहीं है। अच्छा, कहीं से खुला है या नहीं है, या फिर धागा छूटा है। अच्छा, स्टिचिंग पूरे यहाँ पे फिनिशिंग देखी जाती है। फिनिशिंग के बाद जो काम आता है वो एलडी पैकिंग का आता है सर। अच्छा जी, तो इस तरीके से प्रॉपर ये जो है फिनिशिंग का प्रोसेस देख, उसके बाद जो है अपना प्रॉपर ये पॉली पैक करके, हाँ, और रैपर लगाया जाता है इसका। हाँ, जो जिस जो भी मतलब अगर कस्टम साइज होता है, कस्टम ब्रांड होता है, तो रैपर यहाँ पे फिल होता है। अच्छा ठीक है, अभी तो हमारा ब्रांड का बन रहा है। ठीक है, अगर कोई अपने ब्रांड का बनवाता है तो इस तरीके से ठीक है, इस तरीके से एलडी पैक होती है सर। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या आएगा देख सकते हैं जी, कितना सारा माल रेडी होता है रोज इनका सर। रेगुलर की बात करो, रोज की बात करो, तो कितने जो है प्रोडक्ट रोज रेडी करते हो? कम से कम 5,000 से 10,000 पीस हम रोज डेली बेसिस पे हम ऑर्डर बनाते हैं। अच्छा जी, ठीक है, तो काफी अच्छी क्वांटिटी के अंदर जो यहाँ पर सारा काम होता है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या आएगा भैया? नेक्स्ट प्रोसेस के बाद से आता है वैक्यूम के लिए। अच्छा, वैक्यूम के लिए, क्योंकि ये मेन जो होता है ये ट्रांसपोर्ट के लिए इजी हो जाता है सर। अच्छा, सपोज अगर दिल्ली टू दिल्ली पहुंचाना है तो हम पहुंचा सकते हैं सर, 50 पीस 100 पीस पहुंचा सकते हैं। अच्छा, अगर हमें अदर स्टेट में भेजना है, जैसे यूपी भेजना है, मुंबई भेजना है, कोलकाता भेजना है, तो ये हमें ट्रांसपोर्ट में, हाँ, ट्रांसपोर्ट में थोड़ा हेल्प करता है सर। अच्छा ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हैं आप लोग जो है प्रॉपर ये वैक्यूम होके बिल्कुल, ये देखो साइज मतलब बिल्कुल खत्म ही हो गया देख सकते हैं। जैसे आप इसको पॉलिथीन से बाहर निकालेंगे साइज फिर वापस वैसे ही हो जाएगा। हाँ जी, आपको दिखाना भी है कैसा पॉली। इसके अलावा आपको एक मैजिक दिखाता हूँ, ये कहीं बहुत कम आपने देखा होगा। हाँ जी, बहुत कम वेंडरों के पास आपने देखा होगा, बहुत कम मैन्युफैक्चरों के पास आपने देखा होगा वैक्यूम मशीन। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ये ओपन होते ही अपने शेप में वापस आ जाता है। अच्छा सर, देखो कैची देना, पहले तो आप देखिए उस तरीके से वहाँ पे सामने आपका वैक्यूम हो रहा है, प्रॉपर प्रेसिंग हो रही है इसकी पॉलिथीन से। अभी आपके सामने खोल रहे हैं, तो खोलने के बाद देखना इसका साइज कैसा हो जाता है। देखो ये खुला है और वापस अपने ये साइज में आ गया। थोड़ा सा अगर मैं थोड़ा सा ईयर इसके अंदर जाएगी, प्रॉपर अपना शेप ले लेगा सर। शेप ले लेगा बिल्कुल, कुछ करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा होल करना है आपको बीच में से और अपना शेप ले लेगा सर। ठीक है जी, तो वापस अपने वही शेप में आ जाती है। तो ये आप खुद देख सकते हैं कि कैसी क्वालिटी का फाइबर यूज कर रहे हैं। और अपने जो है पिलो की गारंटी वारंटी कुछ रहती है सर? इसमें हम प्रोवाइड कराते हैं सर, 6 महीने की गारंटी प्रोवाइड कराते हैं सर। अच्छा जी, तो कैसे क्या उसमें क्या रहता है कि किस कंडीशन में चेंज हो सकता है? अगर ये रिप्लेस तभी होगा, प्रॉपर सेम नहीं रह रहा है या कहीं से बीच में से कटा हुआ है, तो हम रिप्लेस कर सकते हैं। मान लीजिए कोई यूज कर रहा है 4-5 महीने बाद इसका कपड़ा फट गया, तो उस कंडीशन में चेंज हो जाएगा? हाँ जी, चेंज हो जाएगा सर। ठीक है जी, तो देख सकते हैं जी इतनी बढ़िया बढ़िया आपको फैसिलिटीज यहाँ से मिल रही है। ऑर्डर प्रोसेस मैंने आपको पूरा बता दिया है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पूरा का पूरा दिखा दिया है,
ऑनलाइन वेबसाइट से जा खरीद सकते हैं, होलसेल के लिए दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, डीलरशिप के लिए दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और भी किसी भी तरह की जानकारी आपको चाहिए तो इस नंबर पे कॉल कीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इनका जो है प्रॉपर मैंने यहाँ से वीडियो दिखाया, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके मुझे जरूर आप बताइएगा। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल के ऊपर को। और जल्दी ही मैं यहाँ से दोबारा आपको कुछ नई नई वीडियोस दिखाऊंगा नए नए प्रोडक्ट्स के साथ में। अभी के लिए चलता हूँ भैया, अभी के लिए चलता हूँ व्यूअर्स, नमस्कार।